अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम है रील पर रियल फीडबैक, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म दुर्गामती के बारे में। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से लगातार पुरानी फिल्में और सुपरहिट साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाने का चलन चल रहा है। अनुष्का शेट्टी की सुपरहिट फिल्म भागमती का हिंदी रीमेक दुर्गामती नाम से बनाया गया है और फिल्म को 11 दिसंबर अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन भागमती बनाने वाले निर्देशक जी अशोक ने ही किया है। सुपरहिट भागमती बनाने के बाद जी अशोक को न जाने क्या हो गया कि उन्होंने दुर्गामती को इस कदर बनाकर बर्बाद कर दिया है। भूमि पड़नेकर की हॉरर थ्रिलर फिल्म दुर्गामती बेहद कमजोर है, जो ना आपको डराती है और ना ही आपका सस्पेंस बढ़ाती है। कहानी को पूरी तरह से कॉपी किया गया है, नएपन के लिए केवल किरदारों की शक्लें बदल दी गई है, बाकी हर एक सीन और हर एक कैमरा एंगल कॉपी किया गया है। बात करते हैं दुर्गामती की कहानी की, तो फिल्म में अरशद वारसी ने ईश्वर प्रसाद नाम के एक नेता का किरदार निभाया है, जो जल संसाधन मंत्री है। ईश्वर प्रसाद की छवि काफी अच्छी है, जो लोगों में काफी ज्यादा वो ईमानदार माने जाते हैं। नेता के राज्य में अचानक से भगवान की मूर्तियां चोरी होने लगती हैं और इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों होती है। लगातार चोरी हो रही मूर्तियों से लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। विपक्ष के नेता सीबीआई जांच की मांग करवाना चाहते हैं। मूर्ति चोरी मामले में ईश्वर प्रसाद का नाम आता देख राज्य के मुख्यमंत्री भी जांच के आदेश दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर प्रसाद की ईमानदार छवि से खतरा है। अब जांच शुरू होती है। जांच के दौरान ईश्वर प्रसाद की पूर्व सेक्रेटरी आईएएस चंचला यानी की भूमि पड़नेकर से पूछताछ होती है। लंबे समय तक ईश्वर प्रसाद के साथ काम कर चुकी चंचला अपने पति के खून के आरोप में जेल में बंद होती हैं। चंचला को सीबीआई जेल से निकालकर एक हवेली में शिफ्ट कर देती है, ताकि ठीक से पूछताछ हो सके। अब चंचला से सीबीआई पूछताछ करती है, लेकिन चंचला अपने हर बयान में ईश्वर प्रसाद की तारीफ करते हुए काफी कुछ बताती है। ये बहुत कुछ सीबीआई के काम का नहीं होता है। चंचला से कुछ और पूछताछ के लिए हवेली में उन्हें रखा जाता है। एक दिन चंचला के ऊपर हवेली की रानी का भूत आ जाता है, जिससे पूरी जांच का केंद्र ही बदल जाता है। अब क्या मूर्ति चोर ईश्वर प्रसाद का सच सामने आ पाता है? क्या चंचला के ऊपर जो भूत चढ़ गया है वो उतर पाता है? इन सभी सवालों के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बात करते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में और कलाकार और निर्देशन ने कैसा काम किया है इसके बारे में आपको बताते हैं। फिल्म में ईश्वर प्रसाद का किरदार अरशद वारसी ने निभाया है। ये किरदार ऐसा है जिसकी फिल्म में दो छवि है, एक ईमानदार नेता की और दूसरी एक भ्रष्ट नेता की, जो जनता का पैसा और नेताओं को लूट रहा है। अरशद वारसी ने इस पूरे किरदार को बहुत ही अच्छे और दम से निभाया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पड़नेकर ने भी कोई कमाल नहीं दिखाया है। अनुष्का शेट्टी से अगर तुलना की जाए तो आम बोल भाषा में बोलेंगे कि दुर्गामती भागमती की एक सस्ती कॉपी कह सकते हैं इसे। शानदार भागमती बनाने के बाद हिंदी रीमेक दुर्गामती बनाने वाले निर्देशक जी अशोक को आखिर क्या हुआ, ये बात अभी भी समझ के परे है, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और फिल्म के स्क्रिप्ट को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया है। सही डायरेक्शन की वजह से फिल्म को बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। आज हमने आपको बताया कि दुर्गामती कैसी है और इस पर क्या रिव्यू है। प्रभा साक्षी की टीम की तरफ से दुर्गामती को 2.5 स्टार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।